आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अपन डिस्कशन कर रहे थे होल्स के बारे में, मीन्स किस प्रकार से होल्स बनता है। लास्ट क्लास में अपन ने एक टॉपिक देखा था, वहाँ पे भी अपन ने होल के बारे में डिस्कशन किया था। आज अपन जो होल की प्रॉपर अभिधारणा है, मीन्स होल की अभिधारणा क्या दी गई थी, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। और मैंने बताया था कल कि दो प्रकार के सिस्टम होते हैं। एक तो यदि प्रभावी जो द्रव्यमान m है वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। दूसरा अपने लिए था नेगेटिव वैल्यू, मीन शायद ये था m greater than m dash और ये वाला था m dash greater than m। इस प्रकार की सिचुएशन बनी थी नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो पॉजिटिव वाला ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता दिया, लेकिन ये जो सिचुएशन है मैंने कहा था किसके बारे में डिस्कशन करेगी, होल्स के बारे में डिस्कशन करेगी। मीन्स अपन आज पढ़ेंगे होल की अभिधारणा। और इसको दूसरे नाम से भी पूछा जाता है, ऋणात्मक प्रभावी द्रव्यमान तथा ऋणात्मक प्रभावी द्रव्यमान की अभिधारणा। हेडिंग समझ आई? फिर से सुन लीजिएगा। या तो ये कह सकता है कि होल की अभिधारणा क्या है, मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ होल, या फिर ऋणात्मक प्रभावी द्रव्यमान की अभिधारणा। क्योंकि अपन ने यहाँ कहा था कि जो नेगेटिव मास निकल के आता है वही किसका मास होता है जी, होल का मास होता है। तो समझने की कोशिश करिएगा, अपन नॉर्मली ठोसों का जो ऊर्जा बैंड सिद्धांत होता है उसमें क्या पढ़ते हैं कि एक तो संयोजी बैंड होता है, ठीक है, इसके ऊपर एक बैंड होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, चालन बैंड कहते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही बाहर के किसी सोर्स से टेम्परेचर में इंक्रीज किया जाए तो यहाँ पर जो गैप है जिसको अपन डेल्टा ईजी कहते हैं, इस गैप को पार करके, क्योंकि आपको पता है परम शून्य ताप पर सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, संयोजी बैंड में पाए जाते हैं। जैसे ही ताप बढ़ेगा डेल्टा ईजी को पार करेगा और कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा, चालन बैंड में पहुँच जाएगा। नॉर्मल बातें होती है, ठीक है। जैसे ही चालन बैंड में पहुंच जाएगा तो कोई भी क्रिस्टल या ठोस होता है वो क्या शो करने लगता है, चालकता शो करने लगता है, ठीक है। और यहाँ पर मीन जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस वाले में चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कोई स्पेस बन जाएगा। सुन लेना ध्यान से, यहाँ पर जो स्पेस बनता है उसी को अपन क्या कहते हैं, होल। और ये जो अभिधारणा है वही क्या कहलाती है जी, होल की अभिधारणा। फिर से सुनिएगा, जब किसी भी ठोस को जिसमें दो बैंड होते हैं संयोजी और दूसरा क्या होता है, चालन बैंड, बीच में डेल्टा ईजी होते हैं, जैसे तैसे करके इसके टेम्परेचर में यदि इंक्रीज किया जाए तो कोई इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कहाँ पहुँच जाता है, चालन बैंड में पहुँच जाता है। कब, डेल्टा ईजी को पार करके। तब अपने को ऐसा लगता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन वाला स्पेस है वहाँ पर कोई रिक्त स्थान बन गया, ठीक है, रिक्त स्थान बन गया, उसी को अपन क्या नाम दे देते हैं, होल नाम दे देते हैं। और ऐसी जो अभिधारणा होती है उसको क्या कहते हैं, होल की अभिधारणा। मीन्स होल के पैदा होने की जो प्रोसेस है वही क्या कहलाती है, कॉन्सेप्ट ऑफ होल कहलाती है। और यहाँ कहा जाता है कि जितने वेग से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है उतने ही वेग से क्या बनता है यहाँ पे होल। क्या कहा मैंने, जितने वेग से इलेक्ट्रॉन जाता है उतने ही वेग से क्या बनता है जी, होल बनता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन का वेग और होल का वेग आपस में क्या होता है जी, यहाँ बराबर होता है, ठीक है। और इन दोनों के कारण ही धारा पैदा होती है, होल के कारण भी और इलेक्ट्रॉन के कारण भी धारा। तो वेग समान है तो यहाँ पे करंट I का मान भी क्या होता है, समान होता है। ये बेसिक लैंग्वेज है, लेकिन अपना काम तो ये है कि होल का डेरिवेशन कैसे करते हैं और कौन से गुण होल के हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपके लिए एकदम से नया टॉपिक है ये और पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। अपन ने क्या कहा अभी, इलेक्ट्रॉन का वेग किसके बराबर होगा जी, होल्स वेलोसिटी। अपन इमेजिन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है जी, वी ई है, ठीक है। उसी प्रकार जो होल का वेग है वो अपन इमेजिन कर लेते हैं वी एच। इक्वेशन नंबर वन, न्यूटन की गति के नियम के अनुसार एफ किसके बराबर होता है, एम ए। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन गति करेगा उसका वेग होगा तो उसमें जाहिर सी बात है त्वरण पैदा होगा,
ठीक है। तो F किसके इक्वल हो गया, एम ए। एक और बताया था आपको, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होते हैं, वहाँ F किसके बराबर होता है, E इंटू क्यू के इक्वल होता है, ठीक है। यदि दोनों से अपन मेजरमेंट करें, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो, एम ए किसके बराबर आ गया जी, ई इंटू क्यू के इक्वल आ गया, ठीक है। साथ में देखिएगा एम ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, डी वी डिवाइडेड बाई डी, किसके इक्वल हो गया, ई इंटू क्यू। इसको मैं इक्वेशन ले लेता हूँ टू। यदि मैं कहूँ इस इक्वेशन को मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहा हूँ तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। देखिएगा जो एम है उसकी जगह अपन प्रभावी द्रव्यमान एम स्टार, इलेक्ट्रॉन के लिए डी, इलेक्ट्रॉन के लिए तो वेग किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का वेग, डी वी ई ओवर डी टी किसके बराबर जी, ई क्यू। इलेक्ट्रॉन का क्यू कितना होता है, माइनस ई, नेगेटिव में लेते हैं, समझ आई इतनी बात। इसको अपन मान सकते हैं इक्वेशन तीन। यदि मैं कहूँ आपको ये वाली इक्वेशन किसके लिए लिखनी है जी, होल के लिए लिखनी है, तो एम ई की जगह क्या आ जाएगा, होल का मास साथ में डी वी एच डिवाइडेड बाई डी टी किसके बराबर, ई। होल के लिए क्यू पॉजिटिव होता है, प्लस ई, ठीक है। तो क्या आ गया, प्लस ई ई, और इक्वेशन कितना हो गया चार। समझ आया डेरिवेशन क्यों शुरू किया अपन ने फोर्स से, क्योंकि वेलोसिटी अपने पास है तो उस पर लगने वाला कोई बल भी होगा, और बल होगा तो उसका कोई त्वरण भी होगा, समझ आई इतनी बात, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट समीकरण तीन और चार से आप क्या लिख सकते हो, बाई इक्वेशन थ्री एंड फोर, यहाँ से ई ई का मान इस वाले इक्वेशन में आप पुट अप कर सकते हो, तो क्या मिलेगा आपको, एम ई स्टार डी वी ई ओवर डी टी दैट इक्वल नेगेटिव रहेगा एम एच स्टार, ठीक है। नेक्स्ट डी वी एच अपॉन डी टी, समझ आई बात। लेकिन आप क्या जानते हो, वी ई किसके बराबर है, वी एस, कौन से समीकरण से, समीकरण एक से। क्या मिलेगा आपको, एम ई स्टार डी वी ई की जगह एच कर दो, चाहे एच की जगह ई कर दो, मैं यहाँ पे एच कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई डी टी माइनस एम एच स्टार डी वी एच अपॉन डी टी। आसान सा डेरिवेशन है ये, चला जाएगा, मींस एम ई स्टार किसके इक्वल आ गया, माइनस एम एच स्टार। आपको होल के बारे में चाहिए तो एम एच स्टार किसके बराबर आ गया, माइनस एम ई स्टार। तो क्या देखा आपने कि होल की अभिधारणा के आधार पर होल का जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कैसा होता है जी, नेगेटिव होता है, समझ आए। इसीलिए अपन इसको क्या कह रहे थे, ऋणात्मक प्रभावी द्रव्यमान। मीन्स समीकरण लास्ट वाले को यदि आप समीकरण पाँच दे हो तो क्या डिस्कस कर रही है, समीकरण पाँच होल का प्रभावी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के प्रभावी द्रव्यमान के बराबर होता है लेकिन दिशा में विपरीत। ये दिशा में विपरीत क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाता है जी, चालन बैंड में चला जाता है, तब यहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है, समझ आई। होल की अभिधारणा क्या थी, और होल की अभिधारणा यही अपने को बताती है कि होल का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से कैसा बिहेव रखता है। तो अपन ने पूरा निकाला है सिस्टमेटिक, और क्या मिला अपने को कि मास ऑफ होल, इफेक्टिव मास ऑफ होल इज इक्वल इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ नेगेटिव साइन। अब यहाँ से अपने पास क्या निकल के आएगा कि इस होल के गुणधर्म क्या होंगे, मीन्स जो होल पैदा हो रहा है उसके गुण कौन से हो सकते हैं। तो इसी टॉपिक में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि होल के गुणधर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल, फर्स्ट पॉइंट तो अपन ने अभी पढ़ लिया, ठीक है ना, कौन से वाला, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है जी, होल का इलेक्ट्रिक चार्ज किस में होता है, प्लस ई में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इफेक्टिव मास अपन ने अभी पढ़ा है, इफेक्टिव मास का मान क्या है, नेगेटिव में होता है, मींस होल का जो मास होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मास का नेगेटिव होता है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, आप क्या निकाल सकते हो, जब आपके पास मास है तो आप क्या निकाल सकते हो, मोमेंटम। नॉर्मल देखिएगा, पी किसके बराबर होता है जी, एम इंटू वी के इक्वल होता है। यदि मैं कहूँ होल के लिए बताऊँ तो पी एच होल के लिए मास, और साथ में क्या आ गया, वी,
ठीक है, और वी भी किसका, होल का। उसी प्रकार यदि मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, एम ई, और साथ में वेग भी किसका आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वेग आ जाएगा। समझ आ रही है यहाँ तक बात मीन्स। और द्रव्यमान हमेशा कैसा होता है, प्रभावी द्रव्यमान, ठीक है। अब आप एम एच किसके इक्वल होता है, माइनस एम ई के इक्वल होता है, ठीक है, रखिएगा एम एच। तो यहाँ से देखिएगा पी एच, एम एच की जगह वैल्यू पुट अप कीजिएगा, साथ में डेरिवेशन भी बता दे रहे हैं। एम ई कैसा, नेगेटिव, साथ में क्या है जी, वी एच, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला, पी ई एम ई स्टार, और साथ में क्या मिल गया, वी ई। समझ आ रही है बातें इतनी, ठीक है। मीन्स आप ये कर सकते हो, इतना भी कर सकते हो कि इसके लिए आपको चाहिए तो पी एच, एम एच स्टार की जगह माइनस रख दो, तो माइनस एम ई स्टार, साथ में क्या आ जाएगा, वी एच आ जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट एक होता है, आपको बताया वो है संचरण का नियतांक, जिसको आप केस से डिनोट करते हो, ठीक है ना। और ये जो पी एच का मान होता है वो भी किसके बराबर होता है, माइनस पी ई, क्योंकि वी एच किसके बराबर होता है, आगे निकालिए, पी एच माइनस एम ई स्टार, वी एच की जगह क्या रख सकते हो आप, वी ई। तो ये देखिए किसके बराबर है, पी ई के बराबर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, पी एच इक्वल माइनस पी ई। मीन्स जो होल होता है उसका मोमेंटम भी कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन के निगेटिव होता है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाला क्या हो सकता है, बताया था मैंने वेव संचरण मीन्स के, तरंग संचरण नियतांक के, ठीक है। तो के क्या होता है, पी बराबर क्या होता था, एच क्रॉस के, तो के क्या हो गया, पी अपॉन एच क्रॉस। यदि के आपको निकालना है होल के लिए, तो मोमेंटम किसका आएगा, होल का, और नीचे क्या आ गया, एच क्रॉस। इसी प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन का आपको निकालना है, तो माइनस के ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल, माइनस पी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई एच क्रॉस। आपको तो किसका चाहिए, होल का चाहिए, और होल का इलेक्ट्रॉन के साथ कैसा रिलेशन होता है वो आपको बताना है। तो इजीली कर सकते हो आप, के एच इक्वल पी एच, अभी अपन ने निकाला है किसके इक्वल है, माइनस पी ई ओवर क्या है, एच क्रॉस। और पी ई ओवर एच क्रॉस किसके बराबर है जी, के बराबर है के ई, ठीक है। तो के एच किसके बराबर आ गया, माइनस के ई। मीन्स जो होल होता है उसके लिए संचरण नियतांक के का मान भी इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है, नेगेटिव मान होता है। समझ आई इतनी बात। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़े कि होल की एनर्जी क्या होगी, क्या पढ़ रहे हैं अपन, एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक ध्यान होने चाहिए, आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एनर्जी फ्री के लिए क्या होती है जी, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। यदि मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन के लिए लिखिए, तो कुछ नहीं करना, पी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, m कुछ नहीं होता। अब अपन को पता है क्या होता है, यहाँ पे m स्टार होता है। उसी प्रकार ई एच क्या हो जाएगा, पी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m एच स्टार। इतनी बात समझ आई। आपको किसकी चाहिए, होल की चाहिए, तो देखिएगा ई एच इक्वल पी एच किसके इक्वल होता है, पी एच। यहाँ लिखा था पी एच का मान किसके इक्वल था, माइनस पी ई का, पी ई के इक्वल, तो माइनस पी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एम एच स्टार। एम एच स्टार तभी ये इक्वेशन ने मिटाया, एम एच स्टार किसके इक्वल है, माइनस एम ई स्टार के, तो माइनस बाहर आ गया, साथ में क्या आ गया, एम ई स्टार, बढ़िया आ गया। तो ई एच इक्वल नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स पी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे निगेटिव है, माइनस क्या आ गया, 2m। क्या मिला आपको, ई एच इक्वल माइनस पी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। और ये क्या होता है, ये देखिएगा ई ई पी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, यहाँ पे भी स्टार और यहाँ पे भी स्टार। मीन्स क्या निष्कर्ष निकला, ई एच इक्वल किसके इक्वल हो गया, माइनस ई ई। मीन्स होल की जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की निगेटिव होती है। समझ आई बात। एक छोटा सा पॉइंट और अपन लिख सकते हैं कि गति का समीकरण कैसे लिखेंगे। देखिएगा गति का कौन सा, सिक्स्थ है ना, गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, एफ क्या होता है जी, डी पी अपॉन डी टी। पी बराबर क्या होता है, एच क्रॉस के की जगह क्या रख दोगे, होल का के, तो एफ इक्वल टू डी एच क्रॉस के ऑफ होल डिवाइडेड बाई डी टी। That means F इक्वल एच क्रॉस
डी के एच अपॉन डी टी। ये क्या हो गया होल के लिए गति का इक्वेशन। आप इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ इक्वल एच क्रॉस डी के ई अपॉन डी टी। लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं, होल के लिए पढ़ रहे हैं। यदि यहाँ से आगे सॉल्यूशन करो तो आपको क्या मिल सकता है, देखिएगा अपन ने पढ़ा था के ई किसके बराबर होता है, माइनस के एच के बराबर होता है। के ई की जगह माइनस के एच रख दीजिए, ठीक है ना। लेकिन आपका काम होल तक ही होता है कि होल में जो लगने वाला बल एफ है वो के साथ कैसा रिलेशन रखता है। तो अपन ने क्या डिस्कशन किया है कि जो होल बनता है उसकी अभिधारणा क्या होती है, अभिधारणा के बाद उस होल के गुण कौन से हो सकते हैं। तो छह कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने पढ़े हैं। हर जगह अपन ने पाया है कि इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है होल, निगेटिव होता है। चाहे कोई सा भी मान निकालो इक्वेशन को छोड़कर, सारे मान कैसे आ रहे थे, निगेटिव आ रहे थे। तो यहीं से अपने को पता लगा था कि सारे मान निगेटिव है, अपन कह भी रहे हैं उसका आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निगेटिव होता है और बाकी सब निगेटिव आ रहा है। इसका मीन्स होल का क्या है, अस्तित्व है। तो आज की क्लास के बाद आपको हमेशा ये याद रहेगा कि होल का अस्तित्व कैसे है, कैसे है, क्यों, क्योंकि अपन ने सारे पैरामीटर्स होल के लिए निकाल लिए कि होल में क्या क्या होता है। इतनी बातें समझ आई। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि कोई भी अर्धचालक दे दे और उस अर्धचालक में किस प्रकार की द्रव्यमान की क्रिया होती है। मीन्स टॉपिक अपना रहेगा द्रव्यमान क्रिया का नियम, इसी यूनिट का पार्ट है अर्धचालक में, द्रव्यमान क्रिया का नियम। और ये जो नियम है वो किसका पार्ट है अपने लिए, अर्धचालक का पार्ट है, क्योंकि चैप्टर में यूनिट में दो चैप्टर है ना, एक अर्धचालक एक दूसरे वाला, ठीक है ना, जिसमें अपन ने वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये अर्धचालक वाला पार्ट है। द्रव्यमान क्रिया का नियम क्या होता है, नॉर्मल आप क्या कहते हो कि संयोजी बैंड में होल की संख्या, ऐसे होता है ना। देखो फिर से समझो, थोड़ा सा सीधा नहीं चलेंगे अपन। ये कौन सा बैंड है, संयोजी बैंड, और ये क्या है, चालन बैंड। तो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन और चालन बैंड नहीं, संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल। तो द्रव्यमान क्रिया का नियम अपने को यह बताता है कि संयोजी बैंड में होल और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो गुणनफल कोई एक नियतांक होता है। अपन मान लेते हैं कि ये संयोजी बैंड, ठीक है, और इसमें होल की संख्या क्या है जी, पी। उसी प्रकार अपन कहते हैं चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लो क्या है, एन। तो इन दोनों का गुणनफल मीन्स एन पी एक नियतांक होता है, और वो नियतांक अपन लेते हैं एन आई स्क्वायर। समझ आया कि द्रव्यमान क्रिया का नियम क्या, इतना ध्यान रखो संयोजी बैंड में होल और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन, दोनों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, एक नियतांक होता है कांस्टेंट, और नियतांक अपन क्या लेते हैं, एन आई स्क्वायर लेते हैं। समझ आई। और जहाँ पे एन आई होता है नेज अर्धचालकों में, नेज अर्धचालकों में आवेश वाहकों की संख्या, आवेश वाहकों की संख्या, आई बात समझ। और एन आपको बताई दिया क्या है, एन इलेक्ट्रॉन आवेश वाहकों की सांद्रता, मीन्स इलेक्ट्रॉन की संख्या, या आप ऐसे लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन आवेश वाहकों की सांद्रता, ठीक है। पी लिख सकते हो आप होल आवेश वाहकों की सांद्रता। बस यही नियम क्या है, द्रव्यमान क्रिया का नियम। लेकिन कई बार आपको कहता है कि ये द्रव्यमान क्रिया का नियम एन अर्धचालक के लिए अलग लिखिए और पी अर्धचालक के लिए अलग लिखिए। तो देखिए अपन लिखते हैं पहले एन प्रकार के अर्धचालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए, और n प्रकार का अर्धचालक तो इतना कर दो, जो n लिखा हो उसके पैरों में n डाल दो, p लिखा हो उसके पैरों में n। मीन्स ये क्या है, n अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन आवेश वाहकों की संख्या, p क्या होगी, n अर्धचालक में होल आवेश वाहकों की संख्या किसके बराबर आ जाएगा जी, ये भी कोई कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट क्या ले रहे हैं अपन, एन आई
स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार यदि मैं कहूँ आपको कि पी अर्धचालकों के लिए ये किस प्रकार से लिखोगे आप, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए, थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ी सी बोरिंग वाला सिस्टम है, तो पी तो एन के क्या हो जाएगा पैरों में पी, उसी प्रकार पी के पैरों में क्या आ जाएगा पी, किसके बराबर जी एन आई स्क्वायर, किसके बराबर होना चाहिए कांस्टेंट, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो किसके इक्वल होना चाहिए कांस्टेंट। अब मैं कहूँ आपको बताइए एन एन क्या है, पी एन क्या है, एन पी क्या है और पी पी क्या है, तो लिख सकते हो इजीली एन एन। यहाँ से देखिएगा एन अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन आवेश वाहकों की संख्या, ठीक है, उसी प्रकार पीएन क्या है, पी अर्धचालकों में आवेश वाहकों की संख्या, ठीक है, एनपी क्या होगा, तो क्या लिखोगे पी अर्धचालक में या पी अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन आवेश वाहकों की संख्या, आवेश वाहकों की संख्या। अब यहाँ ये कहा जाता है कि एन एन में जो एन अपन लिख रहे हैं एन अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन आवेश की संख्या, तो एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसमें एन मीन्स इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुसंख्यक होता है, क्या होता है जी बहुसंख्यक होता है, और पी क्या होता है अल्पसंख्यक। इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हो पी प्रकार के अर्धचालकों में पी क्या, पी का मतलब क्या है होल, तो होल क्या होता है बहुसंख्यक होता है, ठीक है, इसकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है और इसमें होल क्या होता है अल्पसंख्यक होते हैं। तो समझ आई बात कि द्रव्यमान क्रिया का नियम क्या, बहुत आसान है, आसान है कि नहीं, बस अपने को इतना पर ध्यान रखना है कि किन का जो मल्टीपल होगा वो मान एक कांस्टेंट के बराबर होगा। फिर क्या आता है कि जब ये आवेश वाहक हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इन आवेश वाहक उत्पन्न होने के बाद इनका उत्पादन हो जाता है, उत्पादन होने के बाद इनका पुनर्संयोजन कैसे करते हैं, मीन्स जैसे अपन कहे कि चालन बैंड, इनके अलावा तो कोई बात ही नहीं है इस वाले चैप्टर में, संयोजी बैंड और चालन बैंड के अलावा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि चैप्टर का ही नाम क्या है ठोसों का ऊर्जा बैंड सिद्धांत, तो बिना बैंड सिद्धांत के तो आप किसी भी टॉपिक का डिस्कशन नहीं कर सकते, इसीलिए बार बार अपन डायग्राम बना रहे हैं कि संयोजी बैंड और चालन बैंड, मीन्स यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं और यहाँ पे होल बन जाते हैं, ठीक है, तो इनका उत्पादन हो गया, तो इनका उत्पादन होने के बाद यदि इनको पुनः अपने को मिलाना होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं पुनर्संयोजन, क्या बोलते हैं जी पुनर्संयोजन, मीन्स यदि उत्पादन अपन ने कर दिया तो कुछ ऐसा हो जिससे अपन उसका पुनर्संयोजन कर सके, तो अपनी हेडिंग का नाम क्या होगा कि आवेश वाहकों का पुनर्योजन। समझिएगा ध्यान से, थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है ना, और थ्योरेटिकल पोर्शन होता है उसमें ज़्यादा माइंड लगाना होता है, हर एक वर्ड का मीनिंग होता है, यदि थ्योरी में आप जल्दीबाजी में लिख दो यदि संयोजी बैंड से कोई होल पी में संक्रमण कर जाए तो वो गलत हो जाएगा ना, ठीक है ना, तो थ्योरी में बहुत ज़्यादा एक्टिव आपको रहना पड़ता है, ठीक है। अपना टॉपिक क्या होगा पुनर्योजन, या फिर अपन कह सकते हैं पुनर्संयोजन, पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन, इंग्लिश में क्या बोलोगे इसको रिकॉम्बिनेशन, समझिए ध्यान से क्या होगा, एक छोटा सा मान लो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, इससे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अपने पास क्या प्रेजेंट होते हैं, जब अर्धचालक की प्रक्रिया हो जाती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने पास होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और क्या होते हैं साथ में होल भी होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, मान लो ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस होल के अंदर तक कहाँ तक जाता है, समझना बात को, जो मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन वापस यदि इस होल के पास आए तो इस होल के अंदर कहाँ तक जाता है, वो बताने के लिए जो टॉपिक है उसको क्या कहते हैं अपन पुनर्संयोजन। तो आप क्या कह सकते हो कि वह प्रक्रिया जिसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होल के अंदर तक प्रवेश हो जाता है, होल के अंदर तक प्रवेश हो जाता है तो इसका विलय हो जाता है, इसी घटना को क्या कहा जाता है पुनर्संयोजन कहा जाता है।
समझ आई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन पड़ा है और वो डायरेक्ट जाके होल में क्या हो गया विलय, अपने को बाहर से कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन बाहर से कोई टेम्परेचर इसको देंगे जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो होल के साथ क्या कर जाएगा, संयोजन कर जाएगा। तो इस प्रकार से संयोजन करने की दो विधियाँ होती हैं। पहली विधि है ताप के मान को बढ़ाकर, मीन्स तापमान को उच्च करके, तापमान को उच्च करके। और दूसरी विधि होती है जी जो अपने सूर्य के द्वारा संचालित होती है, मीन्स अर्धचालकों पर प्रकाश आपतित करके, अर्धचालकों पर प्रकाश आपतित करके, ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक है। अब आपने सुना होगा कि एक टॉपिक आता है जिसको आप क्या कहते हो, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और प्रकाश विद्युत प्रभाव में कौन सी प्रोसेस होती है, दूसरे वाली ही प्रोसेस होती है कि किसी अर्धचालक पर प्रकाश डाला जाता है, प्रकाश के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो मोशन की कंडीशन में आ जाते हैं और अपने को धारा मिलने लगती है, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि तापमान की व्याख्या अपन कैसे करेंगे। एक डायग्राम के द्वारा यदि अपन समझने की कोशिश करें तो देखिएगा, सपोज कीजिए आपके पास ये कोई संयोजी बैंड है, ठीक है, संयोजी बैंड, और दूसरे वाला जो बैंड है उसको अपन बोलेंगे चालन बैंड। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर कोई होल बना हुआ है और ये क्या है जी, इलेक्ट्रॉन। एक होल यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो क्या हो सकता है, संयोजन होगा तो या तो होल किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, होल के पास आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब होल किसी इलेक्ट्रॉन के पास जाता है तो स्पेस भर जाएगा, चाहे होल जाए चाहे इलेक्ट्रॉन आए। होल यदि किसी इलेक्ट्रॉन के पास जाता है तो ये जो प्रक्रिया होती है वो तो होती है उत्पादन करना, ठीक है, मीन्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। उसी प्रकार यदि अपन कहें कि कोई इलेक्ट्रॉन होता है वो यदि कहाँ आए, होल में आए, तब अपन कहेंगे इसको बोलते हैं अपन पुनर्संयोजन, पुनर्संयोजन। और ये किसके लिए अपन ने पढ़ा है, तापमान के लिए, तापमान के लिए पढ़ा है। तो टेम्परेचर कहाँ पर आपको शो करना पड़ेगा, तो इसके नीचे अपन लिख देंगे तापीय साम्यवस्था में। समझ आई बात कि ताप में क्या अध्ययन करेंगे अपन, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे या तो ये होल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और या फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जब होल इलेक्ट्रॉन के पास जाता है उस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हो, उत्पादन। पूछ सकता है डेफिनेशन की उत्पादन क्या है, तो आप कह सकते हो जब किसी संयोजी बैंड से कोई होल किसी चालन बैंड में संक्रमण करता है तब जो घटना होती है उसको क्या कहते हैं आप, उत्पादन कहते हैं। उसी प्रकार चालन बैंड में क्या हो, नहीं, पुनर्संयोजन में क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर संक्रमण करेगा, संयोजी बैंड में करेगा। ये तापीय अवस्था के लिए अपन ने डिस्कशन किया है। इसी प्रकार यदि अपन करें, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। सपोज करो वापस मैंने ये कंडक्शन बैंड ले लिया, ठीक है, और ये ले लिया मैंने वैलेंस बैंड, और इस बार मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, एच न्यू, मीन्स एनर्जी ई का मान ग्रेटर देन इक्वल एच न्यू, मीन्स उल्टा करो, एनर्जी ई से जो एनर्जी कौन सी होती है, ई जी, मीन्स यहाँ जो गैप होता है ई जी या डेल्टा ई जी, उससे यदि इसका मान क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, अपने को एच न्यू ज़्यादा चाहिए, मीन्स ये वाली सिचुएशन रहेगी, ई जी लेस देन हो जाए किससे, एच न्यू, मीन्स एच न्यू का मान ज़्यादा हो जाए, तो अपन ये कह सकते हैं कि इधर कोई अपना जो सन है वहाँ से कोई लाइट आ रही है और E बराबर किसके इक्वल आ रही है, एच न्यू के इक्वल आ रही है। तो जैसे ही डायग्राम पर ये अपन ने डिनोट कर दिया तो अपन कह सकते हैं कि किसके बारे में बता रहे हैं अपन, अर्धचालकों पर प्रकाश आपतित करके। नीचे ताप ये नाम लिखते ही ताप वाला आ जाएगा, इसमें भी यही प्रोसेस होगी, ये इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं अपन और ये क्या मान सकते हैं, होल। तो पहली सिचुएशन क्या थी, दिस होल कम्स टू दिस इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन्स कम टू दिस होल, तो इस सिचुएशन में वापस क्या हो जाएगा, उत्पादन हो जाएगा, इस सिचुएशन में वापस क्या हो जाएगा, पुनर्संयोजन हो जाएगा। समझ आई, थ्योरेटिकल पोर्शन था तो अपने को ऐसे समझेंगे ना तभी अच्छे से समझ आएगा, थ्योरी थ्योरी अपन पढ़ेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। अब देखिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन या होल चलता है तो इनमें कोई ना कोई टाइम लगता है,
ठीक है ना। और इसमें एक छोटी सी बात और होती है कि इस इन दोनों प्रोसेस के द्वारा जब किसी भी अर्धचालक की चालकता बढ़ाई जाती है तो उसे चालकता अधिमिश्रण कहते हैं। मीन्स इन दोनों प्रोसेस के द्वारा यदि किसी भी अर्धचालक की चालकता बढ़ाई जाए तो उसे क्या कहते हैं, चालकता अधिमिश्रण। ये वर्ड यहाँ पे काम में आता है, चालकता अधिमिश्रण पूछा जा सकता है आपको, ठीक है ना। एक पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे, समझते हुए चलेंगे। फिर से सुन लो, इन दोनों मीन्स तापमान को ऊंच करके अर्धचालक पर प्रकाश डाल के अर्धचालक की चालकता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चालकता अधिमिश्रण कहते हैं। समझ आई इतनी बात। अब देखिएगा, जो आवेश वाहक पैदा हो रहे हैं तो इनमें लगने वाला समय कितना होता है और उस समय को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन होल युग्म के उत्पादन और विलय के औसत समय को आवेश वाहकों का औसत समय कहते हैं। मीन्स चाहे उत्पादन हो और चाहे क्या हो, पुनर्संयोजन, इन दोनों में लगने वाले समय का औसत भाग दे दिया मैंने किसका, दो का, उसको क्या कहते हैं, आवेश वाहकों के उत्पादन का औसत समय। समझना बात को, औसत समय क्या होगा कि उत्पादन होगा, उत्पादन के बाद पुनर्संयोजन होगा, इन दोनों में लगने वाले समय मीन्स उन दोनों का औसत क्या कहते हैं अपन उसको, आवेश वाहकों का औसत समय। समझ आई इतनी बातें। पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है और थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा लेंथी होता है। अब देखिएगा, अपन क्या कह रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉन के पास होल आ रहा था, तो यहाँ पे एक वर्ड और आप काम में लेते हो, मीन्स पुनर्संयोजन में बनने वाला जो केंद्र होता है उसको पुनर्संयोजन केंद्र कहते हैं। समझना बात को ध्यान से कि पुनर्संयोजन की प्रोसेस में जिस प्रकार ये केंद्र बन रहा है, इलेक्ट्रॉन होल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होल, तो इस केंद्र को क्या कहा जाता है, रिकॉम्बिनेशन सेंटर कहा जाता है। तो अर्धचालकों का पुनर्संयोजन आपके समझ आया, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है और थ्योरेटिकल पोर्शन को आपको बाय डायग्राम समझाने का प्रयास किया गया है। अब थ्योरी पूरा लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता, समझाना ही यहाँ पे अपने लिए पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, अब अर्धचालक अपन पढ़ रहे हैं तो अर्धचालक भी दो प्रकार से लेते हैं अपन, ठीक है। मीन्स कोई भी जो अर्धचालक होता है वो दो प्रकार से लिया जाता है, एक तो होता है सीधा सीधा अर्धचालक मीन्स प्रत्यक्ष अर्धचालक, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष अर्धचालक, ठीक है ना। और वो वाला अपन पढ़ेंगे इससे आगे वाले वीडियो में, ठीक है। पूरा का पूरा थ्योरेटिकल था। थैंक यू।